हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मेरे पापा का स्पेशल है, मतलब मेरे पापा स्पेशल रेसिपी है। वैसे तो मेरे पापा को कुकिंग का शौक़ है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ वो बहुत प्यार से बनाते हैं, जैसे हर एक मिंटर में चावल के लड्डू, चावल और तिल के लड्डू की रेसिपी आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए जो तिल आपने देखा वो एक्चुअली घर के खेत का था, तो थोड़े से ब्लैक वाले भी ले हुए हैं वाइट वाले में, तो इसीलिए वो प्योर वाइट नहीं लग रहा है, ब्लैक और वाइट का मिक्सचर है। तो उसे हल्का सा रोस्ट करेंगे, मतलब 1 से 2 मिनट तक का, अच्छा से गर्म हो जाए और अच्छी खुशबू आने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा उसको ब्राउन नहीं करना है और नहीं तो तिल जो है कड़वा हो जाएगा। और यहाँ पे 1 केजी के लगभग चावल का आटा है जो कि घर ही का पिसा हुआ है, तो इसे अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। और ये सारा जो स्पेशल स्पेशल चीज़ होता है ना, वो पापा को मेरे बनाने में बहुत शौक है बनाने का, इसे मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि अच्छे से, मतलब कि हल्का ये पिंक नहीं हो जाए और अच्छा स्मेल आने लगता है। कोई भी चीज़ को आप फ्राई कीजिएगा मीडियम फ्लेम पे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो अच्छे से खुशबू आने लगे इतना मीडियम फ्लेम पे इसको भूनेंगे। और हर एक मिनटर में मेरे यहाँ बनता है, और ये लड्डू जो है ना वो 1 से 1.5 महीने चल जाते हैं एयर टाइट कंटेनर में आप रख लीजिए। तो रोज़ तो बनना होता नहीं है लड्डू का, कि आप 10 दिन बाद बना लीजिए, तो इसीलिए एक साथ मतलब थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। तो देखिए चावल हमारा हल्का ब्राउन हो गया था। अब यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स काटी हूँ, और एक्चुअली छोटा छोटा काटे हैं, और इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, लेकिन इसको रोस्ट कर लेना है अच्छा से। और घी में, घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप इसे चाहें तो विदाउट घी भी बना सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपका घी वगैरह नहीं पड़ता है, लेकिन ये टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी होता है। आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट्स और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन वही है हमारे यहाँ कार्तिक को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है ड्राई फ्रूट्स, इसलिए थोड़ा कम ही डाले हैं। और ड्राई फ्रूट्स अपने मन से डाल सकते हैं, इसमें बस काजू है और बादाम है, आप चाहें तो इसमें पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे कोकोनट पाउडर है जो कि लगभग आधा कप के लगभग है, और इससे क्या होता है ना, ये सारा चीज़ डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है चावल के लड्डुओं का, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो फिर से मुझे लगा कम, मतलब मेरे पापा को लगा और मुझे लगा कम, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं ही कर रही हूँ, तो फिर थोड़ा और दे दिए, बोल रहे थे इतना सफिशियंट है, लेकिन थोड़ा और दे दिया, क्योंकि चावल का ऐसे भी, चावल का मैं कह रही हूँ, नारियल का ऐसे भी जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो लगभग 1 कप के लगभग हो गया है, और इसे थोड़ी देर और फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद फिर इसको उसी जो चावल और तिल का मिक्सचर है ना उसमें डाल देंगे। और ये लड्डू इतना गर्म रखता है बॉडी को, इतना बढ़िया रहता है कि विंटर में फिर आपको दिक्कत नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा विंटर है तो कुछ गर्माहट चाहिए ना खाने के लिए, कुछ ऐसा हो जिसका तासीर गर्म हो, तो ये बहुत ही अच्छा है विंटर के लिए। तो ये सारा जो है वो अब भून गया है, तो इसलिए सारे को निकाल ले रहे हैं उसी बर्तन में जिसमें कि तिल है, चावल का लड्डू है, मतलब चावल का लड्डू अभी कहाँ बना है, चावल है फ्राई किया हुआ, और चावल लगभग 1 केजी के लगभग है, और ये ड्राई फ्रूट्स है। यहाँ पे ये गुड़ है, अब सोच रहे होंगे आपके गुड़ का कलर ऐसा क्यों है, तो ये जो है वो घर का बना हुआ गुड़ है,
मतलब टोटली सारा चीज ऑर्गेनिक है, होममेड है। तो ये भी घर का, हमारे यहाँ गुड़ की खेती खूब अच्छे से होती है, अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पहले गुड़ की खेती बहुत ज़्यादा होती थी। तो वही घर का है गुड़, होममेड गुड़ है, तो इसलिए काला है। इसमें कुछ पापा बताए तो मैं भूल गई कि कुछ जो है केमिकल पड़ता है, उससे गुड़ जो है ना वो वाइट हो जाता है, हाइड्रो या कुछ और पता नहीं क्या बोले, और अगर वो नहीं डाले तो फिर गुड़ काला रहता है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ देखिए, इसमें सारा मिक्सचर डाल लिए हैं, और डालने के बाद फिर सबको मिक्स कर लेंगे। सूखे ही सबको पहले मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर इसमें गुड़ डाल देंगे तो फिर मिक्स करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसलिए पहले इसको ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, और तब तक गुड़ की चाशनी बनाएंगे। और यहाँ पे किशमिश भी चला गया अंदर, तो यहाँ पे किशमिश भी थोड़ा डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं। आप चाहे तो मखाना भी डाल सकते हैं, गोंद भी डाल सकते हैं फ्राई करके, गोंद भी इसमें बहुत टेस्टी लगता है। और ये है हमारा सोट है, मतलब अदरक, ये भी घर का है पीसा हुआ। अगर आप चाहें तो इसका पाउडर मिलता है मार्केट में, सोट या ड्राई जिंजर पाउडर, इसको भी मिक्स कर लेंगे अपने टेस्ट के अनुसार। वैसे बहुत सारे लोगों को चावल के लड्डू में थोड़े कम सोट अच्छे लगते हैं बस, बट मुझे जो सोट का टेस्ट है ना वो आता है, मतलब अच्छा खासा आता है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, मीठा मीठा, और थोड़ा सा अदरक जिन्हें ज़्यादा पसंद है उन्हें सोट मतलब ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मुझे बहुत पसंद है। चाय में भी मैं टू मच डालती हूँ, चाय में भी मुझे अच्छा अदरक का टेस्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे मिक्स कर लिए सारा चीज मिला करके, और तब तक मेरा जो गुड़ का चाशनी है वो तैयार हो रहा है। और पीछे से मेरे बेटू जो है वो कह रहा, भूख लग गया, नींद आ रही है, जैसे मैं पूछती हूँ भूख लग गया तो नींद आ रही है, तो वही वो अपने आप से बात कर रहा, भूख लग गया, नींद आ रही है, अभी नहीं सोगे, आवाज थोड़ी थोड़ी आपको सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे गुड़ जो है वो हमारा मेल्ट हो चुका है, और इसके ऊपर ऊपर से ये जो ब्लैक वाला है ना पार्ट, उसको निकाल लेंगे, और निकाल करके इसमें थोड़ा सा दूध डाल के भी हम लोग इसको साफ कर सकते हैं, बट उसका ज़रूरत नहीं है। ये सारा पार्ट जो है वो निकाल लिए हैं, और वो बर्तन छोटा पड़ रहा था क्योंकि इसमें लड्डू बनानी थी, तो इसीलिए बड़ी वाली कढ़ाई लिए हैं। और ये जो गुड़ है ना ये छान लेंगे छन्नी से, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे चाशनी चेक कर रहे, हल्का चिपचिपा हो, जैसे एक तार का लोग कहता है ना उसी तरह से हल्का चिपचिपा चाशनी चाहिए। अगर चाशनी ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो फिर लड्डू जो है ना वो बहुत हार्ड हो जाएगा, मतलब दांत से लड़ाई करनी पड़ेगी लड्डुओं को। तो यहाँ पे चाशनी हमारा तैयार हो गया, जैसा हम लोग को चाहिए था वैसा हो गया है, और अब जो है इसको छान लेंगे। तो यहाँ पे छन्नी से छान ले रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ रहा गुड़ में तो अच्छे से छन जाएगा। तो यहाँ पे बस छान लेंगे, और अपने अंदाजे से, और छानने के बाद फिर मिक्स करते जाएंगे कि कहीं चाशनी जो है हमारा ज़्यादा नहीं ना हो गया, ज़्यादा चाशनी नहीं ना डाल दिए, क्योंकि ज़्यादा चाशनी डाल देंगे तो भी जो लड्डू है ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए चाशनी का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे पापा मिक्स कर रहे हैं, और अभी इतना ज़्यादा गर्म है सब चीज़, बहुत गर्म है, इसलिए हाथ से टच ना करें, और इसे मतलब कोई बर्तन से ही मिक्स करें,
अभी तो चाशनी भी बहुत गर्म है, और ऐसे भी गर्म चीज़ में मतलब जो मीठा चीज़ होता है वो कुछ ज़्यादा ही गर्म होता है ऐसा लगता है। और उसके बाद इसको ये सारे मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर भी थोड़ा गर्म है, यहाँ पे देख रहे हैं कि लड्डू बन रहा है कि नहीं, तो लड्डू तो बनना शुरू हो गया है इसका, और बहुत अच्छा खुशबू आता है जब इस तरह के को लड्डू बनता है ना, तो पूरा घर जो है वो खुशबू से फैल जाता है। और इसमें घी आपने देखा था बहुत कम डाले थे, मतलब आधा चम्मच के लगभग डाले थे, तो यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग घी डालेंगे। वैसे नहीं भी डालेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो अच्छा आता है। तो ये सारा जो बनाए थे चाशनी गुड़ का, तो वो सारा धीरे धीरे करके इसमें डाल दिए और अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और अब ये गर्म ही है तो ठंडा नहीं होने देंगे, हल्का गर्म ही रहेगा। तो लड्डू बनाना शुरू करेंगे, और जल्दी जल्दी थोड़ा बना लेंगे लड्डू, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो इसका लड्डू जो है वो नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम लोग तीनों जो है, मम्मी पापा मैं, और लड्डू बनाने के लिए आ गए हैं, और लड्डू फटाफट लड्डू बना रहे हैं, क्योंकि ठंडा सर्दियों में ऐसे भी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। थोड़ा जल्दी जल्दी ही करना पड़ता है लड्डू बनाने का। तो चलिए हमारा लड्डू तैयार है, और आप भी अपने घर में बनाइए और फिर एंजॉय कीजिए। और ये बहुत टेस्टी लड्डू बनता है, तो विंटर स्पेशल लड्डू है, आप भी खाइए बनाइए। और इतने सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, और अब होगा लड्डुओं का टेस्टिंग। मतलब टेस्ट तो हम लोग कर लिए थे, लेकिन अब सब लोग बन गया है तो आराम से रिलैक्स से होकर के लड्डू खाएंगे और अपना अपना ओपिनियन देंगे। अभी वही बात हो रही थी कि सब लोग लड्डू खाएगा और अपना अपना ओपिनियन देगा कैसा बना है। और कार्तिक का हमेशा रहेगा कि इसमें बादाम बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, तो इसमें ये आ गया। वही हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, ऐसे ज़बरदस्ती उसको मैं बादाम खिलाती हूँ और वो खा लेता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। मैं बोलती हूँ कि अगर इतना नहीं ख़त्म करोगे तो खेलने नहीं जाने दूंगी, और ये जो है वो काम कर जाता है। और यहाँ पे मम्मी जो है वो लड्डू एंजॉय कर रही हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।